हाय नमस्ते, होप यू ऑल आर डूइंग सो गुड। सो आज की जो वीडियो है उसका कोई ऐसा कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, जस्ट आप लोगों के साथ एक मैसेज मैं शेयर करने वाली थी। वो मैसेज ये है कि कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे या मतलब कमेंट्स आए थे कि मैम अगर आपने लाइक अनअकैडमी छोड़ दिया तो आपने कोई और टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया हुआ है, लाइक मतलब आपने कुछ और एक्टिविटी या टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड या कुछ भी आपने अलग ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड अभी मैं किसी भी एक्टिविटी में इंगेज नहीं हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पर नेक्स्ट मंथ बप्पा आने वाले हैं, तो बप्पा की प्रिपरेशन के लिए मुझे एटलीस्ट 1 मंथ बिल्कुल फ्री चाहिए। और 1 मंथ बिल्कुल फ्री इसलिए चाहिए कि जो बप्पा का आइडल है, उनकी जो मूर्ति है, वो मैं खुद से क्रिएट करती हूँ इको फ्रेंडली वे में। तो वो बनाने के लिए कि मुझे उनको कैसा स्वरूप देना है, इस बार मुझे बाल गणेशा बनाने हैं या फिर सिद्धि विनायक गणेशा बनाने हैं या लाल, मतलब जो भी उनकी थीम रखनी है, मुझे कैसी थीम रखनी है, उस थीम के अकॉर्डिंग उनका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उनका सारा सामान और वो क्ले बनाना, मिट्टी से क्ले बनाना, फिर उनको कैसे वो सब कुछ, वो सारा प्रोसीजर करने के लिए मुझे एटलीस्ट 1 मंथ चाहिए। और वो 1 मंथ बिल्कुल प्रॉपर फ्री होना चाहिए, इसीलिए मैंने अभी फ़िलहाल अपने आप को कहीं इंगेज नहीं किया, सो दैट उनके वेलकम में, उनके आने में कोई भी कमी ना रह जाए। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है क्योंकि मैं खुद से ये सब चीज़ें मतलब देखना चाहती हूँ कि उनकी भी वेलकम में कोई कमी ना रहे, इसीलिए अभी मैंने अपने आप को कहीं भी इंगेज नहीं किया है। प्लस दूसरी चीज़, टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड तो मैं कहीं और इंगेज नहीं हूँ, बट उससे अलग कुछ बड़ा, कुछ और न्यू मैंने अभी सोचा है जिसका प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा देन मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने क्या सोचा था और वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, वो मैं आप लोगों को तभी बताऊँगी। आई विश कि कंप्लीट हो जाए और सारी चीज़ें स्मूदली हो जाएँ तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट फिलहाल अभी आप लोग अगर ये जानना चाह रहे थे कि मैं किस चीज़ में बिज़ी हूँ, तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो ये मंथ है अगस्त वाला, उसमें मैं बप्पा की प्रिपरेशन में बिज़ी हूँ। प्लस उसके बाद जो 11 डेज़ हैं उनके वेलकम में, उनका देख रेख, उनकी प्रॉपर केयर वगैरह में भी मैं बिज़ी रहूँगी। प्लस मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैंने उन्हें कैसे क्रिएट किया, उनका वेलकम कैसे किया, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ एक एक चीज़ें शेयर करूँगी। और हाँ, बप्पा को बनाने के पीछे भी मेरी एक स्टोरी है कि मैंने मतलब मेरे दिमाग में कैसे आया कि बप्पा को चलो मैं खुद से क्रिएट करती हूँ, बट वो स्टोरी मैं आपको फिर कभी बताऊँगी कि मैंने बप्पा को क्रिएट करने का क्यों सोचा। ये मेरा अभी 4th ईयर है आई गेस बप्पा को बनाने के लिए, तो मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिखा दूँगी कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट किया था बप्पा को क्रिएट करना, तब मैंने कैसा बनाया था और अभी 3rd ईयर तक बप्पा की बनाने में मतलब वो जो फिनिशिंग होती है उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट होती गई है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। फिलहाल मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि बप्पा को बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, उनका कुछ पोर्शन बन गया है, तो कितना पोर्शन बना है वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, बट मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि हाँ इतना बन गया है, अभी मैंने उन्हें कवर किया हुआ है, क्योंकि उनकी फाइनल लुक मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बप्पा कितना प्रिपेयर हो गए, कितना तैयार हो गए। सो ये देखो बप्पा का शोल्डर तक मैंने तैयार कर दिया है, अभी ये कवर हैं, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ, पूरा नहीं दिखाऊंगी, वो फाइनल लुक आपको मैं बता चुकी हूँ, बाद में दिखाऊंगी, अभी सिर्फ इतना तैयार किया है मैंने। तो बस फ़िलहाल के लिए बस यही मैसेज था आप लोगों के लिए कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कहाँ बिज़ी हूँ, ये सब कुछ आपको मुझे शेयर करना था। एंड फ़िलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।